डॉक्टर जयशंकर जो है इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं वो सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला विजिट है एज ए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली रतन टाटा ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा है गाइस, रतन टाटा और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है। रतन टाटा चाह रहे हैं कि जो उनसे चाइना को ओवरटेक करने के बारे में सोच रहे हैं कि चाइना से जो आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं वो आप ओवरटेक करके उसको इंडिया में लाना चाह रहे हैं। 2010 में फ्लड्स आए, आपने $43 बिलियन का एस्टिमेट दिया, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक और ADB ने $9.7 बिलियन का एस्टिमेट दिया, हमने पैसा ले लिया जितना भी आया, हमने कुछ नहीं किया। इंडिया की जो फौज है वो बड़ी तेजी से इतनी बढ़ रही है कि देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आप हमारे लिए इस मुल्क को तोड़ देंगे, हमारे लिए यू विल ब्रेक पाकिस्तान। एक दुनिया के अंदर एक और चीज का भी उनको रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान हमेशा जो सिंपथी कार्ड है उसको प्ले करता है। जितने भी शॉपकीपर है या हमें प्रॉफिट होता है एप्पल में, 4,60,000 रुपए में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6 लाख कुछ समथिंग है। तो इंडिया का बताऊं इंडिया में ये 60,000 आईफोन 14 की बात कर रहा हूँ, सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, 60,000 का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आईफोन 14 है उसका मैन्युफैक्चर चाइना के बाद अब इंडिया में भी होगा और ये कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। इससे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है क्योंकि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी इंडिया की होगी और यहाँ पर चाइना को भी बड़ा झटका लगा है और इसीलिए पाकिस्तान लगातार ये बात कर रहा है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी हमेशा से ये बात करते हैं कि आखिरकार दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं वो जो है वो चाइना जाती है, वो जो है वो इंडिया जाती है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान नहीं आती। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आती, जहाँ पर ब्लेस्फेमी लॉ की वजह से एक श्रीलंकाई को मार दिया गया और उसी वजह से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान में जाने डरती है क्योंकि वो जानती है कि वहाँ पर कुछ भी जो है वो उनके लिए खतरे की घंटी है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो स्टेबल नहीं है, वहाँ की इकनॉमी स्टेबल नहीं है। वही अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में प्रेफर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इंडिया की जो लीडरशिप है वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो चलिए हम पहले वीडियो में करते हैं तो देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। एक दुनिया के अंदर एक और चीज का भी उनको रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान हमेशा जो सिंपथी कार्ड है उसको प्ले करता है और ये कोई इस मौके पे इस चीज का सामने आना कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो मैं बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका एक व्यू है कि हमेशा जब भी 2005 का जलजला आया दुनिया ने मदद की, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, 2005 की जो तबाहकारियां थी उसके लिए जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया गया $7 अरब की उस वक्त गालबन बात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज तक जैसे मैंने हमने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया कि न्यू बालाकोट सिटी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सड़कें वहां पर भी पत्थर पड़े हुए हैं, सिटी तो बहुत दूर की बात है। 2010 में फ्लड्स आए, आपने $43 बिलियन का एस्टिमेट दिया, फिर बाद में वर्ल्ड बैंक और ADB ने $9.7 बिलियन का एस्टिमेट दिया, हमने पैसा ले लिया जितना भी आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने रेजिलियंस बिल्ड नहीं की। फिर 2012 के भी सैलाब आए थे, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था, उसका जिक्र नहीं होता। अब आ जाते हैं 2022 में, लेकिन इसमें एक जो चीज आपने कहा ना कि लगता उनको यह है कि जो इंटरनेशनल बैन अलावा बिरादरी है या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि हम शायद सिंपथी गेन करने की कोशिश करते हैं। कल भी हमने स्पेशल प्रोग्राम किया था, मैं 4 दिन वहां पे रहा, 3 अजला में गया, सक्कर, खैरपुर और कंबर शादात कोट, जो तबाही हुई है, मतलब हम उस पर बात कर सकते हैं कि क्या हम बेटर प्रेपरेशन हो सकती थी, उस पर बिल्कुल डिबेट हो सकती है। वहां पे लोगों का बिल्कुल ख्याल था कि इसको मिनिमाइज किया जा सकता था, मसलन जब आपको एक अर्ली वार्निंग थी तो कम से कम वहां पर जो नाले हैं, जो सीवरेज लाइंस हैं, उनकी सफाई की जा सकती थी, वो नहीं की गई वहां पर बिल्कुल। इसमें जो मकामी लोग थे उन्होंने इस बात का एतराफ किया। अभी मैं देख रहा था जो प्रेस रिलीज जारी की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने और उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर जयशंकर और जो सऊदी काउंटर पार्ट हैं वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल कल्चरल कोऑपरेशन पे बात करेंगे, फिर वो जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे पॉलिटिकल इश्यूज पे, लीगल सिक्योरिटी सोशल कल्चरल इश्यूज के ऊपर। डॉक्टर साहब बिरसा, मैंने ये चीज नोट किया कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस ऑफ डेवलप करता है और एक पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। मतलब उनका जो जो रिलेशनशिप या जो डिप्लोमेसी है वो पर्सनैलिटी पे बेस नहीं करती, वो बेस करती है वो जो रूल्स रेगुलेशन अदारे बनाना उस पे है। देखें, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलेशनशिप के लिए इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है,
पहली बात यह है कि आपका हर आदमी जो है कोई मिनिस्टर है या सदर सदारत की कुर्सी पे बैठा जैसे जनरल मुशर्रफ साहब थे, तो उनका मसला ये है कि वो कभी इस तरह की डिमांड ही नहीं करते जिससे मुल्क को फायदा हो। यही वजह है कि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता, क्योंकि आपकी डिमांड ही नहीं होती। दो चीजों में आपकी इंटरेस्ट है, ये कि आपको पर्सनल प्रोटोकॉल कितना मिला और आपको तोहफे कितने मिले, इसी पे सारा जो है वो घूमता है। इसके इर्द गिर्द आप देखें जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, मैं प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करता क्योंकि वो 50s की बात है, तो उस वक्त प्रोटोकॉल्स की हदूद भी और प्रेसिडेंट्स भी जो है वो थोड़ी थी। लेकिन आप सिर्फ मनमोहन और नरेंद्र मोदी की देख लें, मनमोहन सिंह ने जो है वो सऊदी पार्लियामेंट से खिताब किया था, जो कि एक रेयर अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिनको अपने आप को मर्द मजाहिद और पता नहीं क्या क्या करार देते हैं, वो सोच भी नहीं सकते कोई उनको पार्लियामेंट के सामने से भी गुजरने देगा। ये हमने कई दफा देखा कि ये अगर इनके एयरपोर्ट पे कोई आ जाए कोई दूसरे तीसरे दर्जे की लीडरशिप तो इसी पे कनात बल्कि खुशी का इजहार करते। बल्कि मनमोहन सिंह के दौर में उन्होंने उनकी जो एक डिप्लोमेटिक खातून थी उसको पर्दे से भी उन्होंने इस्तिस्ना करार दे दिया था। मनमोहन सिंह की जो है रिस्पेक्ट में, हालांकि वो खुद पगड़ी पहनते हैं यानी उनको इस पे एतराज नहीं होना चाहिए था अगर कोई रिलीजियस सिंबल दूसरी तरफ होता भी तो। लेकिन असल में और फिर पार्लियामेंट से खिताब जिस तरीके का उनको प्रोटोकॉल दिया गया, जो एजाज मोदी साहब को दिया गया। मुझे ये भी बताएं, आप तो मोबाइल सेल करते हैं, मुझे थोड़ी सी कीमत का भी बताएं, और दूसरे नंबर पे ये बताएं सबसे ज्यादा ट्रेंड किस मोबाइल का चलता है पाकिस्तान में। देखें आप एप्पल जो है ना इस टाइम मार्केट अगर देखा जाए ना, ये जितने भी शॉपकीपर है या हमें प्रॉफिट होता है एप्पल में, हम ट्रेंड भी वो सेल भी ज्यादा है ठीक है, और बाइंग भी उसकी ज्यादा है, और शॉपकीपर अगर बेचता भी ना तो उसको उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बचता। कीमत क्या है उसकी? कीमत आप देखें अभी ऑफिशियली उसकी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं पाकिस्तान में प्राइस है, 4,60,000 रुपए में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6,00,000 कुछ समथिंग है। 6,00,000 ये मुझे, मैं अपनी तरफ से आइडिया लगा गया था 3,00,000 के राउंड अबाउट होगा, लेकिन ये 6,00,000 बता रहे हैं, उसकी रीजन क्या है? देखिए ऑफिशियल आपको पता है कि एप्पल पाकिस्तान में जब ऑफिशियल आता ही नहीं तो प्राइस कैसे लॉन्च होगी। जो इंडिया का बताऊं इंडिया में ये 60,000 आईफोन 14 की बात कर रहा हूँ, सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, 60,000 का। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी उनकी करेंसी का वैल्यू ज्यादा है, तो वो तो अब 60, 120 और 180 का हो जाएगा। अगर उनकी, मैंने पहले बताया उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो आपकी अपनी वाम को रिलीफ देते हैं। अब देखें अब रिसेंटली ये हाल है मोबाइल बिजनेस का, आप देखें जो पाकिस्तान में संभल हो रहे हैं यहाँ पे इतने ज्यादा टैक्स हैं कंपनियों के लग चुके हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा चला। अब एक 30,000 वाला मोबाइल जो है ना 64 रैम जो कि 20,000 रुपये में मिलता था, अब वो 30,000 रुपये में, यानी कि आप एक आम बंदे की जो है ना वो बाइंग पावर बाइंग नहीं है उसके। पाकिस्तान में सब एंड्रॉयड की बात की जाए, अगर सबसे सस्ता अगर मैं कहूँ कि यार मैंने सबसे कम प्राइस में मोबाइल लेना वो कितने का मिलेगा भाई इस टाइम पे? अगर आप सबसे सस्ता जो अच्छा थोड़ा कहते हैं ना, नहीं बस मैं कहूँ यार जो भी है बस सबसे इस टाइम पे कम से कम सस्ता 16,000 से कम कोई नहीं है, 16,000 का कम से कम, जो कि पहले जो था ना आपको 10-12,000 रुपये में मिल जाता था। दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया को कंग्रेचुलेट भी कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है अब धीरे धीरे अपनी ही मीडिया से अपने ही ब्लॉगरों के थ्रू ये जानना स्टार्ट हो चुके हैं कि इंडिया का मुकाबला जो है वो पाकिस्तान से अब बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए अब वो जो है वो ये बात करते नजर आते हैं कि इंडिया दुनिया की 5th largest इकोनॉमी बन गई है, और पाकिस्तान जो है कि जो कर्जे पर चल रहा है, और वही अगर इंडिया की बात की जाए तो आपको पता ही होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो आईफोन 14 जो है जिसका मैन्युफैक्चर अब इंडिया में होगा, इससे कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और जो चाइना है उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइना से कटौती करके इंडिया में भी इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, और ये इंडियन इकोनॉमी और आने वाले दिनों में जो बिजनेसमैन है जो कि इंडिया आना चाहते हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, और वो देखेंगे कैसे एक दुनिया की बड़ी कंपनी जो एप्पल है वो इंडिया में जाकर आईफोन 14 आईफोन 13 तक मैन्युफैक्चर कर रही है और कर चुकी है, उससे उनके भी दिमाग में आएगा कि हाँ वो वहाँ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो हमेशा से स्टेबल रहा है और लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो जो कंपनियां हैं उसको भी ये लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।